किछ गोटे के आरोप छन जे 3 साल के जखन कैप पूरा भ गेलै तो ते के बाद फिर नया एविएशन के जे नई आनल गेलै है ते में गोपाल जी ठाकुर अड़चन लगा रहल छै। स्पाइस जेट के जे मोनोपोली छै, बेंगलुरु के उड़ान बंद छै कतेक दिन से, तो ते में अहां के नाम आबि रहल है जे अहां रुक रहल छियै जे अहां के चैनल के माध्यम से हम कह चाहब जे 10 में जब हम अक्टूबर माह में एमएलए बनल रहे तो 11 में बिहार विधानसभा के गैर सरकारी संकल्प आयन और सर्वसम्मत से हम पास कराए के दरभंगा एयरपोर्ट चालू हुए तेल हमार 11 से प्रयास जारी है। वही 11 में ककर सरकार रहे, यूपीए सरकार, मौनी बाबा प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, और वही समय में सिर्फ घोटाला ही घोटाला, जब लोग अखबार उल्टावे टीवी खोले तो घोटाला ही घोटाला हुए, 2G घोटाला, 4G घोटाला, कोयला घोटाला, अलकतरा की घोटाला हुए। ओहि समय में तो कोनो काज भेले नहीं। 17 उड़ान स्कीम जब देशक प्रधानमंत्री मोदी जी आनलन तो देश में 78 एयरपोर्ट बनवे के काज कलन और दरभंगा ओहि में तय कलन जे दरभंगा में भी हवाई सेवा हम उड़ान स्कीम के तहत देव, और 18 में जब हम एक्स एमएलए रही तब दिल्ली के गलियारी में जाए चलो हन माननीय ओहि समय के मंत्री प्रभु जी और जयंत सिन्हा जी के यहाँ जे भाई एकर अहाँ शिलान्यास करी, और राज्य सरकार और भारत सरकार मिल के एकर शिलान्यास 18 में कलन, और लगातार हम लागल रहलो हन। 23 के जून में हम जमीन ओहिठाम 52 और 24 एकड़, 19 में जब हम एमपी भेलो हन तब ओहिठाम नया टर्मिनल बिल्डिंग के काज प्रारंभ करबे और रनवे के काज के प्रारंभ करेलो हन, और 2 परत जब हमार रनवे के काज पूरा भेल हन तो ओहि समय तत्कालीन मंत्री आदरणीय हरदीप सिंह पुरी उड्डयन मंत्री छला, हुनका कोरोना काल में गट्टा पकड़ के एहिठाम आन के और एहिठाम हम घोषणा करवेलो हन जे एयरपोर्ट हमार आधा अधूरा में चालू करवेलन, और आइ हम सौभाग्यशाली है, खुशी भ रहल हन, आलंग विषय राखि रहल छी, लगभग 23 लाख लोग एहि मिथिला के उड़ान भरलन हन उड़ान स्कीम में। अब भारत के सरकार जत टर्मिनल बिल्डिंग हमार छोटा सा छल और हमार एठम का यात्री के कठिनाई होय छल बरसात के समय, तब हम 2.4 एकड़ आदरणीय रक्षा मंत्री से जमीन उपलब्ध करा के 34 करोड़ उड्डयन मंत्री से राशि आन के, और जत्ते को अखन टर्मिनल बिल्डिंग है तत्ते को टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण हम करवेलो हन। और अहाँ के हम बताबी जैठम तो एप्रन हमार एक छल हन, जहाज 2 ठहरे छल हन बिल्कुल, और वो कम संसाधन में फिर हम ओकर इंतजाम करवेलो हन, और फिर मुजफ्फरपुर के लीची हमार केना जाए पूरे देश में तैले छोटा सा कार्गो हम बनवे के काज करवेलो, और हमार लीची भी एहिठाम से गेल हन, और उड़ान स्कीम के तहत SPZ के जे एग्रीमेंट रहे वो एग्रीमेंट 3 साल के छल और वो एग्रीमेंट पूरा भ गेले, और हम लगातार प्रयास में छी जे अन्य विमानन के एहिठाम से उड़ान होए, तैले आकाशा एकटा अप्लाई कलन और तो हम अप्लाई में लागल छी जे भाई अहाँ आओ और एहिठाम पैसेंजर के घाटी नहीं छे, कमी नहीं छे, एहिठाम से अहाँ उड़ान भरू। और अहाँ के हम बताबी जे एहिठाम 918 करोड़ भारत सरकार उड्डयन मंत्रालय से आन के हम दलो हम, और 576 करोड़ के लागत से एहिठाम नया टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण के काज प्रारंभ अहुल वालिया कंपनी कलन, और अन्य काम भी प्रारंभ भेले हन। आब जे एप्रन हमरा एक छल आब हमार एप्रन 10 ओहिठाम हैत, एक बेर में 20 जहाज हमार उतरत तो अन्य कंपनी के जहाज एहिठाम से हैत, कंपटीशन हेते, किराया पर भी लगाम लगते और लोग के सुविधा भी हेते, ओहि में हम लागल छी। और ओतबी नहि, जब हम दोबारा सांसद बन के गेलो हन तो आदरणीय राममोहन नायडू जी हमार अखन उड्डयन मंत्री छथि, हुनका और सचिव भारत सरकार के संगे घंटों मीटिंग केलो हन और सारा विषय ओहिठाम हम मीटिंग कऽ के रखलो हन, और अखन
सलाहकार समिति की जो मीटिंग होइ छै एक सप्ताह पहले हम एकरो मीटिंग केलहुँ हन, दिन और राति एहिठाम का यात्री के मिथिला के लोक के सुविधा अधिक से अधिक कतेक होय एहि एयरपोर्ट से ओहिमे हम लागल छी। ओहिमे जे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी तकरो भवन कोना बने, ओहिठाम का जतेक रास लाइटिंग के जे हमर अखन तक नहि भेल हन, जे 24 एकड़ हमर लाइटिंग के व्यवस्था चलि रहल, काल्हि एयरफोर्स अधिकारी से हम बात केलहुँ हन और रक्षा मंत्री आदरणीय जे राज्य केंद्रीय राज्य मंत्री छथि संजय सेठ जी हुनका से भी जाके हम मीटिंग केलहुँ हन। और फिर अहाँके बताबी ए 52 एकड़ जे हमर काम चलि रहल हन, लगातार हमर मीटिंग चलि रहल हन, जे अधिक कम समय में अधिक काम हमर समय से पूरा हुआ और एहिठामक लोकक अधिक लाभ भेटे एयरपोर्ट से, तहू पर विषय। और अहाँ देखने हैं जे लोकसभा के अंदर भी जे किराया के जे विषय उठले हैं, सारे माननीय सांसद देशक रखलन हन, 2 घंटा के ऊपर चर्चा भेले हन और लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी वो समय 2 घंटा रखलन सिर्फ किराया और एयरपोर्ट के कठिनाई जे कोनो जनप्रतिनिधि के द्वारा राखल गेलै ओकरा सुनवाई कैलन हन और ओहू पर विषय चल रहले हन। और हम देशक यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह भाई से आग्रह कैलियन हन जे अहाँ और उड्डयन मंत्री चली और दरभंगा में जे 918 करोड़ के राशि दलों हन तकर अहाँ शिलान्यास करी और जे हमार टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण भेल हन तकर उद्घाटन लोकार्पण करी और जे हमार रनवे के 4 लेन पूरा भ गेल हन 78 करोड़ के लागत से ओकर लोकार्पण भी होय जनता के बीच में, तो ओहो हम लागल छी। बहुत जल्द हमार केंद्र के माननीय यशस्वी मंत्री लोकन एता और ओकर लोकार्पण भी हेते जी। ई कते दिन का समय सीमा छै जे एयरपोर्ट के जे काज चल रहल छै ओकरा कते दिन में हम सब प्रोजेक्टेड टाइम की छै, कते दिन मान के चली जे काज पूरा भ जेतै? देखो एकर समय सीमा से किछ 6 महीना अधिक भी चल जाए छे। बिल्कुल, तो हम बुझे छी जे 3 साल के अवधि में बहुत सारा काम पूरा भ जात एयरपोर्ट के। और जहाँ तक ई आकाशा और अन्य कंपनी के बात कलो हन तो हम अखन सेक्रेटरी और माननीय मंत्री उड्डयन से बात कलों जे साहब अहाँ और कंपनी के इंटरेस्ट लग के फिर हम दिल्ली जा रहल छी बातचीत करे ले। और चूँकि द्वितीय राजभाषा हमरा मैथिली झारखंड प्रदेश में अ तो मिथिला के लोग जहन ओहिठाम संख्या बल में छ तखन हमरा भाषा के द्वितीय राजभाषा भेटल, तो एक दरभंगा रांची भी हमार एयरपोर्ट एहिठाम से उड़ान भर तो सेहो भर। और बाबा विद्यापति के भी हम जे विषय रखने छी नामांकन के ओहो हमार हुए। और एहिठाम से सारा धार्मिक स्थल भी हमार जुड़े, तो कुल मिला के एक एक विषय मान लिया जे नया छे वो तो छै है, लेकिन जना गुवाहाटी शुरू कऽ के बंद कऽ देल गेलै, बहुत गोटा के डिमांड छै, काफी गोटा लिखे छै, बेंगलुरु चलै छलै ओकरा अस्थायी रूप से जे छै टेम्परेरी ओकरा बंद कयल गेलै, तो एहन एहन जे खास कर मोनोपोली बहुत ज्यादा छै। इंडिगो अपना सब कॉन्टिनेंट के जे छै सबसे नम्हर प्लेयर भऽ गेल छै, तो इंडिगो के किया नहीं हम सब बेसी तरजीह दिए जे सब हम इंडिगो से भी बातचीत के लिए कलो हन जे अहाँ एहिठाम से जतेक चला सकै छी अहाँ लिअ आब एकर अपन अप्लाई कऽ के जी। और आकाशा के भी और कंपनी से भी हम व्यक्तिगत भी रुचि लऽ कऽ देखू, हमरा तो दिन और राति लागल रहै छी जे एहिठाम का काज अधिक से अधिक होय। बात बनबै लए तऽ हम एलहुँ हन, जनता हमरा चुनलनि हन और फिर दोबारा चुनलनि हन, तऽ जनता के जतेक अधिक से अधिक हम एहिठाम कऽ सकी तै लए हर क्षेत्र में हर मंत्रालय में हम लागल रहै छी। और हमरा लगैए हमरा अपना पर विश्वास है, हमरा गर्व भी है जे हम दिन राति लागि के अधिक से अधिक आइ कतऽ रहे एयरपोर्ट के लोग कल्पना नहीं कर सकै छल, आइ एम्स के कल्पना नहीं कर सकै छल, आइ आईटी पार्क तारा मंडल दोहरीकरण विद्युतीकरण कल्पना नहीं चले हन, आइ अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन बीच रहले हन लोग सोच नहीं सकै छले हन। आइ अहाँ के हम बताबी जे एकटा 77 वर्ष में हॉल्ट के निर्माण नहीं भ सकले जतऽ ततऽ हमरा लगैए जे लगभग 2 दर्जन नया
स्टेशन के निर्माण हेतु और 2.5 दर्जन हॉल्ट के निर्माण हेतु आई से सब काज भ रहा है दरभंगा में। दरभंगा अब साधारण विषय नहीं रहते, जे मिथिला के अखन त देशक यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हम मिलल रही जब अखन दोबारा जीत के गेलों और हम कहलियन मिथिला में जे गरीबी छे सबसे ओकर कारण छे बाढ़ और बाढ़ के निदान। और पिछलो सत्र में अनेक बेर हम उनका से अपन आग्रह कई सांसद के जी के संगे गेलों तो आज देखू जे गेट में हम उनका भेंट क के कहलियन आग्रह कलियन ते डेट में कमेटी बना के भेजलन और 11,500 करोड़ बाढ़ से भी निदान के वास्ते दलन आई कैबिनेट से जी, हम बधाई भी यहाँ चैनल के माध्यम से देशक यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के देव चाहे। टफकॉन XT600 HCR TMT रीवा, पहले भी बोला था अगर घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ तो आप भी दिखा सकते अपनी हीरोपंती टफकॉन XT के साथ।